गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का सेकंड डे है और चलिए चलते हैं। आज फिलहाल जो काम है वो काम सब कंप्लीट करेंगे, बाहर जाना है बाहर जाएंगे, घर का अगर कुछ काम है तो वो भी करवाएंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं दादी के पास में, तो दादी का पहले काम कंप्लीट करते हैं। दादी को आज नहलाना है अच्छी तरीके से, मतलब हर रोज स्पंजिंग किया जाता है। आज दादी को उठा के लेके जाएंगे चेयर में बैठा के और स्पंजिंग वगैरह कर, मतलब पूरा नहलाना है, नहला के फ्रेश करवा के दादी को फिर आप सबसे मिलवाएंगे। तो अभी फिलहाल दादी को बैठा चुके हैं, पापा ले के थोड़ा देर बैठे हैं। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। हाँ, तो अभी फिलहाल पापा दादी को लेके बैठे हुए हैं, अभी उठा के बैठाएंगे यहाँ पे। और चलिए जल्दी, तीन जन नहीं होने से मैं मम्मी पापा तीनों उठा के बैठाना पड़ता है, तो चलिए पहले बैठा देते हैं फिर आप सबसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं आज का मौसम का नज़ारा। आज धूप बहुत जल्दी आ चुका है, सूर्य और देखिए एकदम से बादल खुल रखा है। आज कल बारिश हुआ था पर आज तो नहीं लग रहा है एक भी तरह बादल। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर में, दादी को भी बैठा दिए हैं, अब नहला धोला के फिर मिलाएंगे आपको दादी से। दादी पूरा रेडी होके बाल बाल धुल के एकदम पूरा स्मूथ हो रखा है। अभी दादी थोड़ा गर्म पानी थैली के साथ में थोड़ा रेस्ट करेगी तो सोएगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा, आज पूरा फ्रेश भी लगता होगा। ये पैर जो टूट रखा है यहाँ से एकदम डेड स्किन जो भी है, थोड़ा भी हाथ लगा देने से सभी निकल रहा है, सब चीज़ मतलब एकदम मतलब जैसे तो कुछ स्किन निकल रहा है टाइप में। देखिए कैसे दिख रहा है पैर भी एकदम, तो वही सुबह से लग रखे थे। अभी रेडी दादी भी, थोड़ा रेस्ट करेगी तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी सब काम कंप्लीट कर दिया है दादी का और अभी फ़िलहाल जाएंगे नहा धो के रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद में पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में फिर आज मंदिर जाएंगे माँ माणिकेश्वरी का ब्लेसिंग लेने। तो चलिए जल्दी जल्दी से रेडी हो के फिर निकलेंगे। और ये रूम का हालत ऐसा ही है, सब बेड वगैरह सब सामान इधर उधर डल रखे हैं, इधर भी एकदम से। तो चलिए पहले रेडी होते हैं फिर निकलेंगे बाहर। तो फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद में फिर जाएंगे अपना कुछ काम जो है मार्केट का काम सब कंप्लीट करके, उसके बाद में फिर जो भी जैसा होता है आज दिन भर का। तो पहले सबसे पहले चलते हैं पूजा करते हैं श्याम बाबा का, फिर बागेश्वर जी का जो कि बालाजी, आज मंगलवार है। तो चलिए चलते हैं पहले अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके, फिर अगर क्या जाना ही है माँ माणिकेश्वरी का आशीर्वाद के लिए, आज मंगलवार भी है तो माँ माणिकेश्वरी का आशीर्वाद भी लेने जाएंगे, लेके फिर आएंगे घर में। फिलहाल चलते हैं पूजा घर के और में पूजा करने के लिए। फिलहाल पूजा रूम में आ चुके हैं और माँ अभी पूजा कर रही है। माँ पूजा करने के बाद में फिर हम आराम से बैठ के फिर पूजा करेंगे। शाम जय बालाजी है नमो, जय 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 बागेश्वर धाम नमः, जय 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 गणपति बप्पा मौर्य, जय 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 श्री श्याम, जय गौरी शंकराय नमः, जय दुर्गा मैया, जय श्री श्याम, जय। आज मेरे साथ एक हादसा हो गया, गरम गरम चाय हाथ में गिर गया है, देखिए लाल हो गया है एकदम से और पैर में भी गिर रखा है, पैर में भी एकदम लाल छाला टाइप हो रखा है पैंट के अंदर में। तो आज कुछ नहीं कर सकते, आज कुछ काम नहीं होगा। तो चलिए जो होता है वो देखते हैं और साथ में बैठ के आज मूवी देखते हैं कठपुतली। तो चलिए रिज्यूम करते हैं। उनका टाइम है, दादी अभी फ़िलहाल यहाँ बैठ चुकी है, उसका दूध आ चुका है, बस अभी प्रोटीन मिला के देंगे। और अभी फ़िलहाल बाल वाल सब सेट कर दिए हैं, शाम का टाइम है तो देखिए अभी अभी फ्रेश लग रहा है ना दादी, आज सुबह नहीं है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा देर बाद में दादी को दूध अभी गर्म है ठंडा करके उसमें प्रोटीन मिला के दिया जाएगा, फिर पी के थोड़ी देर गुड़ाखू करके फिर सुला देंगे। चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं बाहर के ओर में और जाते हैं, अभी फ़िलहाल शाम हो चुका है तो मंदिर जाना है माँ माणिकेश्वरी का, आज मंगलवार है, इष्ट देवी जो कि कालाहांडी की है वहाँ चलना है। तो चलिए चलते हैं, फ़िलहाल रास्ते में आके आपको मिलते हैं। तो मैंने बस जैसे बताया आज मंगलवार है तो आज जो भी मंदिर जाएंगे माता का मंदिर तो वहाँ पर भीड़ रहेगा। कल जैसे गए थे माता का मंदिर गांधी चौक में दुर्गा मंदिर, पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद में फिर माँ माणिकेश्वरी का दर्शन करने जाएंगे। माँ माणिकेश्वरी का दर्शन तो यहाँ से भी होता है जो, क्योंकि हमारा घर जो है माँ माणिकेश्वरी के मंदिर के राजा राजबाटी के पीछे ही है, ये देख लीजिए आप जैसे राजा बाटी है। तो चलिए पहले चलते हैं वहाँ दुर्गा मंदिर, फिर चलेंगे
वहाँ माँ माणिकेश्वरी का आशीर्वाद लेना है और फिर चलेंगे बजरंग बली के पास। तो चलिए पहले दर्शन होने के बाद में अभी चलते हैं माँ माणिकेश्वरी के मंदिर के ओर और माँ माणिकेश्वरी का दर्शन भी लेते हैं। तो देखिए मंदिर एकदम सज रखा है और माँ का जो झंडा है मंदिर के ऊपर का, उसको भी आप सभी से वर्चित करवाते हैं। तो देखिए इधर जो लाइटिंग हो रहा है, देखिए एकदम पूरा रोड में जाम लग रखा है। तो चलिए चलते हैं पहले दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का सजावट और जिधर देखें भीड़ ही भीड़ लग रहा है, तो सजावट भी बहुत ही शानदार हो रखा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और मिलते हैं। देखिए मंदिर में तो फिलहाल अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, आरती हुआ एक घंटा लग गया। अभी चलिए चलते हैं, देखिए भीड़ एकदम से। माँ माणिकेश्वरी का भी दर्शन हो गया, अभी चलते हैं श्री बालाजी के पास में, हनुमान जी के पास में। हनुमान जी का भी दर्शन कर ही लेते हैं और फिर घर चलेंगे एक साथ। मंदिर में इतना भीड़ मत बताइए, एक दो औरत तो एकदम सेंसलेस भी हो गए मंदिर के माँ के सामने में, तो उसी के लिए धक्का मुक्की एकदम से। बच्चे अगर हैं तो शायद इतना भीड़ में नहीं भी लाना चाहिए। जिसका थोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा या कुछ, तो ऐसा भीड़ भड़ा का में नहीं भी आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, शायद मंदिर खुला है या देखते हैं, जल्दी दर्शन करके फिर निकलेंगे। फिलहाल मंदिर से घर आ चुके हैं, गाड़ी रख चुके हैं। देखिए आज मेरे को क्या मिला प्रसाद में, मतलब एक मेरे पीछे थे एक बुजुर्ग आदमी, उन्होंने मांगा माँ का चुन्नी पर उनको नहीं मिला, और मैं मांगा भी नहीं पर मैया के आशीर्वाद से मेरे को खुद से खुद मेरे को चुन्नी मिल गया। देखिए माणिकेश्वरी, तो यही है माँ माणिकेश्वरी का चमत्कार। देखिए हमने मांगा भी नहीं पर हमको मिल गया, जो मांगते हैं उनको भी नहीं मिलता है। ये सब माता का चमत्कार है, जिसको मिलना है उसी को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का सफ़र यहीं तक रहा। आज मंगलवार है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के अवसर पर आज हम देवी माँ का दर्शन भी किए हैं, दुर्गा माता का, माँ माणिकेश्वरी का मंदिर भी गए थे। माँ माणिकेश्वरी के मंदिर से प्रसाद के रूप में हमको एक चुन्नी भी मिला है, जो कि बहुत सही है। और इतना भीड़ मतलब मत पूछिए, फिर भी मैया का जैसे ही हम मंदिर में गए हैं तो आरती चालू होने वाला था, तो बहुत ही बढ़िया भव्य तरीके से दर्शन भी हुआ। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम, जय बागेश्वर बालाजी, थैंक यू, बाय बाय।